इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। नमस्कार, मैं सुशील पाल और एनडीटीवी इंडिया पर अब बात चुटकी पान मसाले की। अगर आपको भी चुटकी पान मसाला खाने का शौक है तो अभी से छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है ये पान मसाला आपको ऐसी बीमारी की ओर ले जाए जिससे वापस स्वस्थ होना नामुमकिन है। दरअसल अजमेर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले दिनों की गई कार्रवाई के दौरान चुटकी ब्रांड के पान मसालों का सैंपल लिया गया था, जिसकी सैंपल रिपोर्ट अब आ गई है और जिसके मुताबिक लेबोरेटरी जांच में चुटकी पान मसाले का सैंपल फेल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चुटकी पान मसाले में हानिकारक तत्वों की मिलावट की पुष्टि भी हो गई है और इसके बाद से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चुटकी पान मसाले के संबंधित बैच के पूरे माल को सीज कर दिया है। अजमेर के CMHO डॉक्टर के सोनी के अनुसार ये सैंपल ब्यावर के स्टॉकिस्ट JP जनरल स्टोर से लिया गया था। विभाग अब चुटकी पान मसाला और JP जनरल स्टोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है। राज्य सरकार निर्देश के अनुसार जो भी पान मसाले गुटके जो प्रतिबंधित हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उनके पैचेस के सैंपल लेके स्टेट को भेजा जा रहा है। इसी प्रक्रिया के अंदर एक सैंपल जो अपने चुटकी का लिया था ब्यावर से JP प्रोविजन स्टोर से, वो अनसेफ आया है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही जो दूसरे जो हमारी ये पूरा प्रक्रिया चल रही है ये चलती रहेगी, जो जो बैचेस इसमें फेल होंगे उनको सीज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी नियमानुसार है वो अमल में लाई जाएगी। चुटकी जो मार्केट में अभी बिक्री है उसको क्या, उस पर्टिकुलर बैच को रोक दिया गया है और उसका जो पूरा होलसेल का जो मार्केट था उसको बैच को रोक मना कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जानकारों की अगर माने तो पान मसालों का स्वाद बढ़ाने के लिए इनमें ऐसे रसायन मिलाए जा रहे हैं जो बहुत ही जहरीले हैं, धीरे धीरे लोगों को मार रहे हैं, यानी कि शरीर के अंगों को डैमेज कर रहे हैं। इसके अलावा ये पुरुषों को नपुंसक भी बना सकते हैं। वर्तमान में तंबाकू और अन्य धूम्रपान उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों से प्रदेश भर में 70,000 लोगों की मौत हर साल हो रही है। इन पान मसालों में ऐसे हानिकारक तत्व शामिल है जिनसे DNA को क्षति पहुँचती है, जिनसे शरीर के हार्मोन्स भी काफ़ी प्रभावित होते हैं।